देश भर में जारी लाउड स्पीकर विवाद अब बिहार में दस्तक दे दिया है। इसे लेकर अब सरकार में दो राय बन गई है। बता दें कि गठबंधन तो फाड़ नजर आने लगा है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जहां इसे फालतू बता रहे हैं, वही बीजेपी के मंत्री यहां भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद फिलहाल इस विवाद से बचने में दिख रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लाउड स्पीकर बैन बात करना फालतू बात है। उन्होंने कहा कि बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है, यह सब फालतू चीज है, जिसको जो कहना है कहे, हम सहमत नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं, इस विषय पर विवाद करने वाला सही आदमी नहीं हो सकता। वही बीजेपी नेता सह सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कानून से देश और प्रदेश चलता है। यूपी में यह कानून लागू हुआ है तो इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर बिहार में यह कानून आया तो यहां से भी लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। इस बात पर केंद्र के नेता और राज्य के नेता और मुख्यमंत्री आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से बचने का यही उपाय है। वही जेडीयू नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के जो लोग भी सलाह दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार है, उसके एक मुखिया नीतीश कुमार है। जब तक सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है, तब तक बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको लेकर कोई बहुत विवाद हो या जनता के बीच गलत मैसेज आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।